जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। ताज़ा मामला अभी सामने आया है प्रदेश के पुलवामा से, जहां एक बार फिर से एनकाउंटर जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कश्मीर जोन पुलिस ने लिखा है कि पुलवामा जिले के निहामा इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल ऑपरेशन कर रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि आतंकवादियों की मौजूदगी का इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में निहामा इलाके की घेराबंदी की थी और तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चला दी और फिर दोनों से मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस का कहना है कि दोनों ओर से गोलीबारी जारी है और अभी तक दोनों पक्षों में से किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। सुरक्षा बलों द्वारा छिपे हुए आतंकवादियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू हो चुका है और इसके बाद ही मुठभेड़ शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि यहां दो आतंकवादी छुपे हुए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सांबा और पुंछ जिलों में भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने शनिवार को तलाशी अभियान चलाया था। अधिकारियों का कहना है कि सांबा जिले के पुरमंडल इलाके में दो संदिग्ध व्यक्तियों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया था। हालांकि अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बता दें कि 4 मई को पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के वाहन पर हमला हुआ था, जिसमें 5 जवान घायल हो गए थे और बाद में एक जवान शहीद हो गया था। उसके बाद घाटी में लगातार बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए जंगलों को खंगाला भी गया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वायुसेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकी घने जंगल वाले इलाके में भाग गए थे, जहाँ प्राकृतिक गुफाएं हैं, जिसका इस्तेमाल आतंकी छिपने की जगह के तौर पर कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो आतंकवादियों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने के लिए AK-47 राइफल, अमेरिकन निर्मित M4 कार्बन राइफल और स्टील की गोलियों का इस्तेमाल किया था। काउंटर टेरर ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को अब तक फिलहाल कोई सफलता नहीं मिल पाई है। पुलवामा में जो मुठभेड़ जारी है, उसको देख के लगता है कि जल्द ही इन दो आतंकियों का सफाया हो जाएगा।